गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के नए सेशन में एक बार फिर से मिल रहे हैं। ये वीडियो थोड़ा लेट आया क्योंकि जो है रेप्लिकेशन को जो है ऑफलाइन पढ़ने में थोड़ा सा समय लगा, बीच में छुट्टियां भी थी। तो चलो, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के इस सेशन में हम बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन पे, और ट्रांसक्रिप्शन को हम दो पार्ट में देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम जीन वर्सेस स्ट्रॉन की बात करेंगे, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस की बात करेंगे, वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस की बात करेंगे, और इसके अलावा मोनोसिस्ट्रॉनिक एंड पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन्स की बात करेंगे। और सेकेंड पार्ट में हम ट्रांसक्रिप्शन पर फोकस करेंगे। तो ट्रांसक्रिप्शन फर्स्ट पार्ट में जो है हम स्टार्ट करेंगे, उसके पहले एक बार फिर से हम आपको याद दिला दें, वर्ड बायोलॉजी 95 यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करो, जिससे कि जो है आपको करंट और अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और आप फॉलो कर सकते हो वर्ड बायोलॉजी 95.wordpress.com को। इसके अलावा विजिट कर सकते हो मेरे फेसबुक पेज www.facebook.com/rajivranjan157197 पर। ये फेसबुक पेज भी वर्ड बायोलॉजी 95 के नाम से है, जहाँ पे आपको डिफरेंट बायोलॉजिकल इवेंट्स से रिलेटेड वीडियोस और जो है हमारे यूट्यूब चैनल के जो वीडियोस हैं वो सारे अवेलेबल है वहाँ पे, जिसको देख करके आपको बायोलॉजिकल वर्ड्स के बारे में जो है और भी ज़्यादा जानकारी मिलेगी। तो लेट अस स्टार्ट, हम अपने जो है टॉपिक पे फोकस करते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन को अगर हम देखना चाहें तो इसको हमने अभी पहले ही बताया कि हम ट्रांसक्रिप्शन को दो पार्ट में पढ़ेंगे। आज जो है आज के वीडियो में हम फोकस करेंगे जीन एंजाइम्स पॉलीपेप्टाइड सिस्ट्रॉन मोनोसिस्ट्रॉनिक एंड पॉलीसिस्ट्रॉनिक टर्म्स पे, तो इनको हमें देखना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जीन्स एंड एंजाइम्स की बात करते हैं। एक्चुअली जीन्स और एंजाइम्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, इसके बारे में जो है सबसे पहले आर्चिबाल्ड गेरार्ड ने 1909 में बताया। जहाँ तो 1909 ही वो जो है समय था जब जो है जीन टर्म की भी क्वाइनिंग हुई थी, जोहानसन ने जो है जीन टर्म को दिया था। और आर्चिबाल्ड गेरार्ड ने जो है बताया कि जो जीन्स होते हैं वो एंजाइम्स के थ्रू ऑपरेट करते हैं, यानी जो भी फंक्शंस होते हैं जीन के वो एंजाइम्स के थ्रू ऑपरेट करते हैं। और इससे रिलेटेड उन्होंने एक स्टडी किया, जो डिजीज था वो था एल्केप्टोन्यूरिया। एल्केप्टोन्यूरिया एक ऐसा डिजीज है जिसमें कि जो पेशेंट होता है, पेशेंट का यूरिन जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आता है यानी एक्सपोज होता है बॉडी से बाहर आकर के, तो ब्लैक कलर में चेंज कर जाता है। एक्चुअली होता क्या है, जो पर्सन होते हैं, जो पेशेंट होते हैं, उनके बॉडी में जो है एल्केप्टोन ऑक्सीडेज नाम का जो एंजाइम है वो नहीं पाया जाता। ये एल्केप्टोन ऑक्सीडेज एंजाइम करता क्या है, एक्चुअली ह्यूमन बॉडी में मेटाबॉलिज्म के दौरान जो फेनाइल एलेनिन और टायरोसिन का जो मेटाबॉलिज्म होता है, ये दोनों क्या है, एमिनो एसिड है। तो फेनाइल एलेनिन और टायरोसिन के मेटाबॉलिज्म के दौरान एक जो है कंपाउंड बनता है जिसे हम एल्केप्टोन या होमोजेंटिसिक एसिड कहते हैं। तो ये एल्केप्टोन या होमोजेंटिसिक एसिड जो कि मेटाबॉलिज्म के दौरान बना, किसके मेटाबॉलिज्म के दौरान, फेनाइल एलेनिन और टायरोसिन के मेटाबॉलिज्म के दौरान, तो इस एल्केप्टोन का जो है फर्दर जो डिस्पोज ऑफ होना था वो नहीं हो पाया। तो उस केस में क्या होता है कि एल्केप्टोन ऑक्सीडेज के नहीं होने के कारण उसका ऑक्सीडेशन नहीं हुआ, तो एल्केप्टोन या होमोजेंटिसिक एसिड जो है पेशेंट के बॉडी में एक्युमुलेट होने लगता है। और चूंकि जो है बॉडी में ज्यादा एक्युमुलेट होता है तो यूरिन के साथ भी बाहर आता है, और जब यूरिन के साथ बाहर आता है तो जैसे ही ये हवा के कॉन्टेक्ट में आता है तो एयर में मौजूद ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, और ऑक्सीडाइज होकर के जो है ये ब्राउन ब्लैक कलर के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है जो ऑलमोस्ट मिलेनिन जैसा होता है। मिलेनिन आपको पता है कि स्किन में पाया जाने वाला जो है हमारा जो है पिगमेंट है जिसके कारण हमारे स्किन का कलर डिसाइड होता है, तो ब्राउन ब्लैक कलर का जो है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, और उसी ब्राउन ब्लैक कलर के प्रोडक्ट के कारण एक्सपोज्ड यूरिन जो है वो ब्लैक कलर का हो जाता है। तो इसके बारे में जो है सबसे पहले जो है गेरार्ड ने बताया,
और यहीं से जो है जीन और एंजाइम के बीच में जो एक रिलेशनशिप था वो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हुआ। वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, ये वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस जो है ये बिडल एंड टॉटम ने 1948 में दिया। बिडल एंड टॉटम ने जो है न्यूरोस्पोरा पे जो है बहुत ज्यादा रिसर्च किया। न्यूरोस्पोरा एक फंगस जो है, ऑर्गेनिज्म है, और इस पे उन्होंने रिसर्च करके जो है उन्होंने वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस को प्रपोज किया, और बिडल एंड टॉटम को ही फाउंडर ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स कहा जाता है। तो वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस आखिर कहता क्या है, क्या है ये वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस? बिडल एंड टॉटम ने ये बताया कि जीन कंट्रोल से स्ट्रक्चरल और फंक्शनल ट्रेट थ्रू कंट्रोलिंग द सिंथेसिस ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन और एंजाइम, यानी जो जीन है वो कंट्रोल करता है स्ट्रक्चर और फंक्शनल ट्रेट को। कैसे कंट्रोल करता है? किसी स्पेसिफिक प्रोटीन या एंजाइम के सिंथेसिस के थ्रू जो है वो कंट्रोल करता है। तो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए स्पेसिफिक प्रोटीन और एंजाइम सिंथेसाइज होते हैं हमारे बॉडी में, और ये जो स्पेसिफिक प्रोटीन और एंजाइम जो है सिंथेसाइज होते हैं ये कौन करता है? ये जीन करता है, और उसी के थ्रू स्ट्रक्चर और फंक्शनल ट्रेट्स या कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। आगे चल करके इस वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस में बहुत सारे डिफेक्ट्स देखने को मिले, और उसके बाद जो है फर्दर वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस आया। तो वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस को हम देखेंगे, लेकिन उसके पहले हम डिफेक्ट्स की बात करें कि वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस में जो है वास्तव में डिफेक्ट क्या थे। पहला जो डिफेक्ट था ये जो आज भी हम जानते हैं कि ऑल जीन्स डू नॉट प्रोड्यूस एंजाइम, सारे जीन्स जो है एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करते। एक्चुअली उसमें से कुछ ऐसे भी जीन्स होते हैं जो एंजाइम के प्रोडक्शन को या प्रोटीन के सिंथेसिस को रेगुलेट करते हैं और रेगुलेटरी बॉडी में होते हैं, चाहे वो ऑपरेटर के फॉर्म में हो, चाहे वो रेगुलेटर के फॉर्म में हो, चाहे वो प्रमोटर के फॉर्म में हो। तो केवल स्ट्रक्चरल जीन्स ही ऐसे जीन्स हैं जो कि एंजाइम को प्रोड्यूस करते हैं। अब ये अलग अलग तरह के जीन्स हैं, इनको अभी हम आगे चल करके देखेंगे प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान, और जो है जीन एक्सप्रेशन के दौरान हम देखेंगे वहां पे कि किस तरह के जीन्स होते हैं। तो जो है केवल स्ट्रक्चरल जीन्स ही जो है प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं, सारे जीन्स जो है एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करते। एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम, जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीनेसियस होते हैं यानी प्रोटीन से बने होते हैं, लेकिन जो है सारे के सारे प्रोटीन्स जो है एंजाइम्स नहीं होते। इसके साथ साथ एक एक्सेप्शन और भी है कि कुछ जो है कंडीशन में या कुछ ऑर्गेनिजम्स में जो एंजाइम्स होते हैं वो आरएनए के बने हुए होते हैं, जिन्हें हम राइबोजाइम के नाम से जानते हैं, यानी कुछ कंडीशंस में आरएनए भी एंजाइम की तरह बिहेव करते हैं। तो अगर आरएनए एंजाइम की तरह बिहेव करते हैं तो वो प्रोटीन के नहीं बने हैं, और सारे प्रोटीन एंजाइम्स नहीं है, ठीक है। तो ये तीसरा डिफेक्ट था। चौथा डिफेक्ट यह आया कि ये प्रोटीन और एंजाइम में कंटेन वन और मोर पॉलीपेप्टाइड। जैसा हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, पीछे भी आपने देखा है जब आप सिकल सेल एनीमिया पढ़ रहे थे, ठीक है, थैलेसीमिया पढ़ रहे थे, तब आपको हमने बताया था कि हीमोग्लोबिन जो है वो एक प्रोटीन है, इसमें ग्लोबिन जो प्रोटीन है इसके जो है चेन जो है अल्फा और बीटा चेन होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ग्लोबिन के जो दो चेन है अल्फा पॉलीपेप्टाइड और बीटा पॉलीपेप्टाइड, तो ग्लोबिन जो है एक प्रोटीन है जो कि दो जो है अलग अलग तरह के जो है पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर के बना है। तो ये वही बोल रहा है कि प्रोटीन और एंजाइम में कंटेन वन और मोर पॉलीपेप्टाइड्स। तो अगर हम वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस को लेकर के चलें तो जो है ये सही साबित नहीं होता। तो इन जो है जो अभी हमने फोर डिफेक्ट्स देखे वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस के, इन डिफेक्ट्स को देखने के बाद यानोप्सकी ने, यानोप्सकी एंड एनोप्सकी एटाल, एटाल का मतलब होता है एनोप्सकी इस आप जो है सर्टेन जो है और भी साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिल करके जो है इस रिसर्च पे वर्क किया था। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि एनोप्सकी एंड हिज टीम, ठीक है ना। तो यानोव्स्की एट ऑल ने 1965 में वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस जो है
प्रपोज किया। अब ये वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस क्या है? अगर वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस को हम देखें, तो जो हमने वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस में देखा था, तो वहां पे जो जो हम एक्सप्लेनेशन दे रहे थे वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस की, तो उसी में हम जो है एंजाइम के जगह पे पॉलीपेप्टाइड को इंट्रोड्यूस कर देंगे। यानी ये सिंगल जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ ए पर्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड ओनली। तो ये आयानोव्स्की एट ऑल ने 1965 में जो है इस हाइपोथेसिस को दिया, वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस। नेक्स्ट सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन क्या है? सिस्ट्रॉन एक्चुअली जीन ही सिस्ट्रॉन है। तो जीन और सिस्ट्रॉन में जो बेसिक डिफरेंसेस हैं या कॉन्सेप्ट में जो डिफरेंसेस हैं, उन डिफरेंसेस को हम देखते हैं, उसमें जो है जीन जो है को लेकर के कई सारे डेफिनेशंस आए। जैसे सबसे पहले 1909 में जोहानसन ने जब जो है जोहानसन ने जो है 1909 में जब जीन को डिफाइन किया और जीन टर्म को क्वाइन किया, जीन टर्म भी जो है जोहानसन ने ही दिया था 1909 में, तो उन्होंने बताया कि जीन इज एन एलिमेंट्री यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस विच कैन बी असाइन टू पर्टिकुलर कैरेक्टर। यानी जीन जो है इनहेरिटेंस का एक एलिमेंट्री यूनिट है जो किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को जो है बियर करता है, ठीक है? तो किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को बियर करने वाले इनहेरिटेंस के एलिमेंट्री यूनिट को जीन कहते हैं। ये डेफिनेशन जोहानसन ने 1909 में दिया। फिर दूसरा जो है डेफिनेशन आया जीन का, जिसे मॉर्गन ने दिया एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के दौरान। उन्होंने कहा कि जीन इज ए सेगमेंट ऑफ क्रोमोजोम विच कैन बी सेपरेटेड थ्रू क्रॉसिंग ओवर एंड इज देयर फॉर ए यूनिट ऑफ रिकम्बिनेशन। जीन इज ए सेगमेंट ऑफ क्रोमोजोम्स, यानी जीन जो है क्रोमोजोम्स का एक सेगमेंट है जो क्रॉसिंग ओवर के थ्रू सेपरेट होते हैं और ये रिकम्बिनेशन के एक यूनिट है। ये क्या है? रिकम्बिनेशन के एक यूनिट है। तो जहां जॉनसन ने बताया कि ये एक सिंगल कैरेक्टर को बियर करते हैं, मॉर्गन ने बताया कि ये रिकम्बिनेशन के यूनिट्स हैं, ठीक उसी तरह से बिडल एंड टॉटम ने जब वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस दिया, तो बिडल एंड टॉटम ने ये बताया कि ये यूनिट है हेरिडिटरी मटेरियल के जो स्पेसिफाई होते हैं एक सिंगल एंजाइम के लिए। यानी वन जीन इज स्पेसिफाई और इज स्पेसिफिक फॉर द सिंथेसिस ऑफ सिंगल एंजाइम। दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय द बिडल एंड टॉटम व्हाइल द प्रपोजिंग वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है डेफिनेशन आया जीन का, जो यानोव्स्की ने दिया, वो जो है वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस के जो प्रपोज करते समय दिया कि ए जीन इज यूनिट ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल दैट स्पेसिफाइज ए सिंगल पॉलीपेप्टाइड। तो ये जो है डिफरेंट जो है समय समय पे जो है डिफरेंट साइंटिस्ट ने जीन को डिफाइन किया अलग अलग तरीके से। आगे चल करके सिस्ट्रॉन टर्म आया। एक्चुअली सिस्ट्रॉन टर्म तब आया जब जो है जीन को डीएनए और आरएनए से जो है कोरिलेट किया गया। तो सिस्ट्रॉन को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं? सिस्ट्रॉन इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए, यानी मॉडर्न जीन को ही हम सिस्ट्रॉन कहते हैं। पहले तो आप अपने दिमाग में भर लो कि जीन क्या है, वही सिस्ट्रॉन है, और सिस्ट्रॉन क्या है? जीन है। यानी जीन के मॉडर्न कॉन्सेप्ट को सिस्ट्रॉन कहते हैं। यानी आज के समय में जो जीन का डेफिनेशन है उसमें जीन को हम सिस्ट्रॉन कहते हैं। तो जीन इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए कंसिस्टिंग ऑफ ए स्ट्रेच ऑफ बेस सीक्वेंसेस दैट कोड्स फॉर वन पॉलीपेप्टाइड चेन, वन ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए मॉलिक्यूल और परफॉर्म्स एनी अदर स्पेसिफिक फंक्शन इन कनेक्शन विद द ट्रांसक्रिप्शन इंक्लूडिंग कंट्रोलिंग द फंक्शनिंग ऑफ अदर सिस्ट्रॉन। इसको सिंपल शब्दों में समझने की कोशिश करो कि क्या है। डीएनए का एक सेगमेंट जो कि बेस सीक्वेंसेस का जो है एक स्ट्रेच होता है और किसी एक पर्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए जो है उस कोड होता है सिस्ट्रॉन का। यानी डीएनए का एक सेगमेंट, डीएनए का एक स्ट्रेच जो पॉली जो है एक बेस सीक्वेंस है
कोड का एक स्ट्रेस है बेस सीक्वेंस के जो है, और वो कोड है एक पॉलीपेप्टाइड चेन का, यानी जो है सिस्ट्रॉन में जो है एक जो है न्यूक्लियोटाइड के बेस सीक्वेंसेस का जो है एक चेन है, एक स्ट्रेच है, और उसी स्ट्रेच में जो है पॉलीपेप्टाइड चेन के फॉर्मेशन के लिए कोड जो है कंसिस्ट करता है। ट्रांसफर आरएनए के लिए कोड जो है कंसिस्ट करता है, राइबोसोमल आरएनए के लिए कोड जो है कंसिस्ट करता है, और यह जो सेगमेंट है डीएनए का यह किसी पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करता है ट्रांसक्रिप्शन के साथ। कैसे? ट्रांसक्रिप्शन के साथ का मतलब क्या हुआ? ट्रांसक्रिप्शन के साथ का मतलब यह हुआ कि जो है पहले डीएनए से जो है मैसेंजर आरएनए बनेगा, उस मैसेंजर आरएनए से फर्दर जो है पॉलीपेप्टाइड सिंथेसाइज होगा, और वो पॉलीपेप्टाइड जो है किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को जो है एक्सप्रेस करेगा। तो सिस्ट्रॉन का ये बेसिक डेफिनेशन है, और इसमें ये भी इंक्लूड है कि एक सिस्ट्रॉन सर्टेन दूसरे जो है सिस्ट्रॉन के फंक्शनिंग को भी कंट्रोल कर सकता है। तो डीएनए के एक सेगमेंट को सिस्ट्रॉन कहते हैं जो बेस सीक्वेंसेस के जो है स्ट्रेच के फॉर्म में होता है, और यह पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए कोड को वियर करता है, या ट्रांसफर आरएनए या राइबोसोमल आरएनए के कोड को जो है वियर करता है, और किसी पर्टिकुलर फंक्शन को ट्रांसक्रिप्शन के साथ जो है परफॉर्म करता है। तो ये जीन जो मॉडर्न जीन है या सिस्ट्रॉन है इसका जो है डेफिनेशन है। अब इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, मोनोसिस्ट्रॉन एंड पॉलीसिस्ट्रॉन की बात करते हैं, मोनोसिस्ट्रॉनिक वर्सेस पॉलीसिस्ट्रॉनिक। देखो मैसेंजर आरएनए या जीन, सिंपल हम जीन की बात कर लें, जीन जो है वो दो तरह के हो सकते हैं, मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन एंड पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन, या मैसेंजर आरएनए दो तरह के हो सकते हैं, मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन मैसेंजर आरएनए एंड पॉलीसिस्ट्रॉनिक मैसेंजर आरएनए। इनको हम जानने की कोशिश करते हैं। जो पॉलीसिस्ट्रॉनिक का मतलब क्या हुआ कि किसी एक पर्टिकुलर आरएनए में एक से अधिक सिस्ट्रॉन है। ध्यान दो, पीछे अभी हमने पढ़ा कि जो है डीएनए का एक सेगमेंट है, फिर से पीछे आते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। पीछे आपने पढ़ा कि सिस्ट्रॉन इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए कंसिस्टिंग ऑफ ए स्ट्रेच ऑफ बेस सीक्वेंसेस दैट कोड फॉर वन पॉलीपेप्टाइड चेन, वन ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, और मॉलिक्यूल और परफॉर्म्स एनी अदर स्पेसिफिक फंक्शन इन कनेक्शन विद द ट्रांसक्रिप्शन। तो यहां पे पहले तो ये जान लो कि जो बेस सीक्वेंसेस का जो स्ट्रेच है डीएनए का, वही तो जो है आगे चल करके ट्रांसक्रिप्ट होकर के आरएनए में बदलेगा। तो आरएनए जो डीएनए के उस पर्टिकुलर सेगमेंट से जो ट्रांसक्राइब होगा आरएनए, वो आरएनए भी सिस्ट्रॉन कहा जा सकता है। ठीक है, तो सिस्ट्रॉन यही मॉडर्न कॉन्सेप्ट है जीन का। ठीक है, डीएनए के सीक्वेंस को भी हम सिस्ट्रॉन कह सकते हैं, और उस पर्टिकुलर मैसेंजर आरएनए के सीक्वेंस को भी सिस्ट्रॉन कह सकते हैं जो किसी पर्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए कोड को वियर करता है। तो अब यहां पे मोनोसिस्ट्रॉनिक एंड पॉलीसिस्ट्रॉनिक आरएनए पे जब हम कंपेयर करते हैं, तो पॉलीसिस्ट्रॉनिक मैसेंजर आरएनए का मतलब यह हुआ कि किसी एक पर्टिकुलर मैसेंजर आरएनए में एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड के लिए जो है कोड्स हैं। पॉली सिस्ट्रॉन में क्या हमने देखा, सिस्ट्रॉन के डेफिनेशन में हमने देखा कि एक पॉलीपेप्टाइड का चेन, और यहां हम पॉलीसिस्ट्रॉनिक की बात कर रहे हैं। तो ऐसा मैसेंजर आरएनए जिसमें एक से अधिक जो है सिस्ट्रॉन है, या एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन का जो है कोड है, तो पॉलीसिस्ट्रॉनिक कहलाएगा। और मोनोसिस्ट्रॉनिक का मतलब यह हुआ कि मैसेंजर आरएनए में एक पर्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड का ही केवल कोड है। ठीक है, तो पॉलीसिस्ट्रॉनिक और मोनोसिस्ट्रॉनिक में बेसिक डिफरेंस है। पॉलीसिस्ट्रॉनिक मैसेंजर आरएनए हैज मोर देन टू पॉलीपेप्टाइड चेन्स, कोड फॉर मोर देन टू पॉलीपेप्टाइड चेन्स, व्हाइल द मोनोसिस्ट्रॉनिक मैसेंजर आरएनए हैव द कोड फॉर सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीसिस्ट्रॉनिक मैसेंजर आरएनए प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं। ध्यान दो, लगेगा आपको कि जो है यूकैरियोट्स ज्यादा डेवलप्ड है, तो पॉलीसिस्ट्रॉनिक जो है यूकैरियोट्स में पाए जाने चाहिए, बट ऐसा नहीं है। चूंकि मोनोसिस्ट्रॉनिक का मतलब यह हुआ कि वो ज्यादा स्पेसिफिक है, किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए एक ही सिस्ट्रॉन है, एक ही मैसेंजर आरएनए है, दूसरे फंक्शन के लिए दूसरा मैसेंजर आरएनए हो गया। तो वहां पे जो है जो स्पेसिफिसिटी की बात करेंगे, या एक तरह से स्पेशलाइजेशन की बात करेंगे, वहां पे ज्यादा हो रहा है।
तो प्रोकैरियोट्स में पॉलीसिस्टोनिक मैसेंजर आरएनए पाया जाता है और यूकैरियोट्स में मोनोसिस्टोनिक मैसेंजर आरएनए पाया जाता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। प्रोकैरियोट्स लाइक बैक्टीरिया में पॉलीसिस्टोनिक मैसेंजर आरएनए पाया जाता है और यूकैरियोट्स में मोनोसिस्टोनिक मैसेंजर आरएनए पाया जाता है। तो जो है ये जो है दो बेसिक डिफरेंसेज हैं, बाकी जो यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो उस पर बहुत ज्यादा फोकस आपको नहीं करना है। आपको बस दो ही चीजें जाननी है कि पॉलीसिस्टोनिक मैसेंजर आरएनए का मतलब ये हुआ कि आरएनए में जो है एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड्स हैं, और मोनोसिस्टोनिक मैसेंजर आरएनए का मतलब ये हुआ कि उस मैसेंजर आरएनए में केवल एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए कोड है। और पॉलीसिस्टोनिक मैसेंजर आरएनए प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है और मोनोसिस्टोनिक मैसेंजर आरएनए यूकैरियोट्स में पाया जाता है। तो आज के लिए जो है बस इतना ही। इसके बाद जो है एक सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं, जो कि ट्रांसक्रिप्शन को समझने के लिए, हालांकि यह सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हम जीन एक्सप्रेशन में भी देखते हैं, शुरुआत में भी हमने बताया था आपको, एक बार फिर से देख लेते हैं। यहां अगर हम देखें तो डीएनए जो है रेप्लिकेट करके खुद का जो है अपना कॉपी प्रिपेयर करता है, कॉपी सिंथेसाइज करता है, दैट इज रेप्लिकेशन। एंड डीएनए जो है ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू आरएनए का फॉर्मेशन करता है, और आरएनए से ट्रांसलेशन के थ्रू जो है प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस होता है। ये जो डॉगमा है, इस डॉगमा को वाटसन एंड क्रिक जो हमने पढ़ा था उसमें क्रिक ने दिया था। वाटसन एंड क्रिक क्यों फेमस है? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के लिए। तो उसमें जो वाटसन एंड क्रिक में जो क्रिक थे, सर फ्रांसिस क्रिक ने जो है इस सेंट्रल डॉगमा को दिया। लेकिन आगे चल करके टेमिन ने इसमें एक मॉडिफिकेशन किया कि सर्टेन आरएनए हैज कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस डीएनए बाय द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसलिए ये एरो दिखाया गया है, दिस इज द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और जैसे एचआईवी वायरस होता है, एचआईवी वायरस में कैपेबिलिटी होती है, उसमें एक एंजाइम पाया जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जिसके प्रेजेंस में उसका आरएनए जो है डीएनए का सिंथेसिस करता है, दैट इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो ये टेमिन ने जो है इसमें करेक्शन किया था। तो दिस इज द सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी। ये ऑलरेडी आप एक बार पहले भी देख चुके हो, यहां भी देख लिए, और जब हम जीन एक्सप्रेशन पढ़ेंगे तो वहां पर भी हम इसे देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन के जो है मेन जो है प्रोसेस पे, मेन मैकेनिज्म पे। तो आज यहां पे हम खत्म करते हैं। थैंक यू।